ये बर्ड देखिए मोहित भाई, मेरे पास 650 में थर्ड पोजीशन विनर बर्ड है। इसकी लिंक भी शेयर करूँगा ऑनलाइन, आप जो सो डायरेक्ट पीपा की वेबसाइट पे इसके रेस रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं समर भाई के घर पर आया हुआ हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में भाई का सेटअप भी लगा हुआ है। आप पीछे चेक कर सकते हैं, सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ समर भाई भी साथ में बैठे हुए, उनसे भी अपन बातचीत करेंगे, पूरा डिटेल में अपन जो है बातचीत करेंगे। रेसिंग उमर्स पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रेसिंग उमर के ब्रीडर के पास विज़िट करिए और डिटेल में जो है मालूमात हासिल करिए। तो चलिए कुछ मालूमात हासिल करते हैं अपन। अस्सलाम वालेकुम समर भाई। वालेकुम अस्सलाम। समर भाई आप ये बताइए, रेसिंग उम्र का जो आप स्टार्ट करें शौक़ कब से है, कितने साल हो गए आपको? भाई मैं रेसिंग उम्र जो सो फर्स्ट टाइम 2018-19 में उड़ाया। मैं रेस जो सो दिसंबर में स्टार्ट होती जी, तो 2018-19 में फर्स्ट टाइम मैं जी बर्ड फ्लाई करा मैं एज अ क्लब मेंबर। अच्छा, और हमारे क्लब का नाम जो सो डीपीएससी है। डीपीएससी का फुल फॉर्म बता दें। डेक्कन पिजन स्पोर्ट्स क्लब, और ये हैदराबाद का वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब में से एक क्लब है अगर जी। माशाल्लाह। और आप शौक के बारे में बताइए, कबूतर के बारे में बताइए, अगर कोई भाई परचेस करना चाह रहा है रेसिंग उमर्स में, उनको जो है का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और काफ़ी लोग जो है ज़्यादातर पैसा लगा देते हैं शौक़ के पीछे, नॉलेज नहीं रहने के कारण जो है थोड़ा फ्रॉड में भी अटक जाते हैं, तो आप उस हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? देखिए मोहित भाई, बर्ड्स तो देखो आप बर्ड्स रेसिंग उम्र तो आपको बहुत मिलेंगे, मगर रेसिंग उम्र लेने से पहले देखिए, आप अगर आप अच्छा शौक करना चाह रहे हैं आप, तो बर्ड जो सो कोई अच्छे रेप्यूटेड क्लब में उड़ावा रहना बर्ड जी, रेप्यूटेड क्लब में उड़ावा रहना, कंसिस्टेंसी रहना बर्ड के अंदर, बर्ड का परफॉर्मेंस रहना टॉप 10 के अंदर, बर्ड्स प्लेसमेंट लेना जी, जो रेस जो होती है कबूतर की, वो कबूतर की रेस में जो सो टॉप 10 के अंदर प्लेसमेंट रहना बर्ड हो, वो बर्ड लिए तो आपको फायदेमंद है। और आगे चल के उलोंगे बच्चे आप जब भी कोई क्लब में रेस में उड़ेंगे तो उलोंगे बच्चे आपको काम देने वाले हैं। नहीं आपको अगर आप कहीं से भी चौक से या कहीं से भी किसी फैंसियर के पास से जाके बर्ड ले ले रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के बर्ड्स की पेडिग्री क्या है, बर्ड्स का जेनेटिक्स क्या है, तो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा एक मशवरा सबके लिए यही है कि बर्ड्स जो सो अच्छे फैंसियर रेप्यूटेड फैंसियर्स के पास से लीजिए। आपको चेन्नई, वैजाग, बेंगलोर और कोलकाता बहुत सारे जगह जो सो अच्छे रेप्यूटेड क्लब्स है, रेप्यूटेड फ्लायर्स है, हैदराबाद में भी बहुत अच्छे फैंसियर्स है, हैदराबाद में भी अच्छे क्लब्स है, तो आप अच्छे क्लब के अच्छे फैंसियर के पास से जो बर्ड पोजिशन लेता जी, जो टॉप 10 के अंदर जो बर्ड आता वही लीजिए, मेरी तो एडवाइस वही रहेंगी हमेशा। और भैया आप ये बताइए कि ये रेसिंग उमर्स की ट्रेनिंग किस तरह से होती है और लोग को फूड में क्या देते हैं, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, और आपके पास कोई अभी फ़िलहाल कोई बर्ड्स ट्रेनिंग में है? हाँ मोहित भाई, अभी तो रेसिंग सीज़न हमारा अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया उसका। अच्छा। 12th को जैसो हमारी पहली रेस रहेंगी, अब 12th को पहली रेस रहती, 11th को बास्केटिंग रहती, 12th ऑफ दिसंबर को पहली रेस है हमारे क्लब की। अच्छा, तो ये 135 किलोमीटर की रेस रहेंगी है, तो इसमें हम जो सो लॉफ्ट फ्लाइंग जो करते हैं, जो घर पे कबूतर जो उड़ाते जी, वो स्टार्ट कर दिए हम ऑलरेडी। और बर्ड्स को जो सो जो मेडिसिन देना रहता, जो टाइप का दाना रेस में इस्तेमाल होता जी, हम वो स्टार्ट अप कर दिए अब, तो अब हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया रेस के लिए। अभी 40 डेज बाकी है, अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज बाकी है जी, तो अभी 40 डेज के बाद में फिर हमारी रेस स्टार्ट हो रही है अब। अच्छा, आप ये बताइए कोई भाई हमारे कोई भी क्लब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जैसा आपका क्लब है या फिर कोई अच्छा क्लब है, तो कैसा ज्वाइन हो, कुछ उसके ऊपर टिप्स? अब हैदराबाद में रेप्यूटेड और अच्छे फ्लाइंग क्लब्स जो सो दो है मोहित भाई जी, एक HHPC है जी, और एक हमारा क्लब है DPSC है। हाँ, दोनों जो सो क्लब में कंसिस्टेंसी है अच्छी और अच्छे फैंसियर्स है, चैम्पियंस भी बहुत अच्छे है। दोनों क्लब जो सो 2013-14 से जो सो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं जी, तो उलोंग के भी रेसेस जो सो अब दिसंबर में स्टार्ट होते HHPC के भी,
तो क्लब ज्वाइन करने के लिए देखिए भाई, आपको डायरेक्ट प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करना पड़ता जी। प्रेसिडेंट है या कोई बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर से आपको कांटेक्ट करना पड़ता मेंबर बनने के लिए। और मेंबर बनने से पहले आप बर्ड्स पहले परचेस करिए, अच्छे फैंसियर के पास से पहले बर्ड्स परचेस करिए, फिर उसके बाद में आप क्लब ज्वाइन करिए आप जी। मेरा मशवरा वही रहेगा। समर भाई, आप फीड के बारे में बताइए, कबूतरों को जो फीड दी जाती है वो कितने टाइप की होती है और कब कब कौन से जो है फीड देना चाहिए रेसिंग उमर्स के लिए? मोहित भाई, फीड जो है सो थ्री टाइप्स ऑफ फीड रहती है रेसिंग उमर में जी। एक ब्रीडिंग मिक्स रहता, एक मोल्टिंग मिक्स रहता और जो है एक रेसिंग मिक्स रहता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं कि अपन कुछ कम ज़्यादा कर लेते हैं अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जी। और आपको उसके डिटेल में जो सो आपको अब नॉर्मली जो सो 14 किस्म का 14 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स यूज़ करते जी। उसमें जो सो आपको मकई है, कड़ है, जवारी है, चना है, गेहूँ है और सोयाबीन है और वाइट पीस है जी। ग्रीन पीस है और येलो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है उसके अंदर जी। सनफ्लावर है उसमें, अब एक है 14 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स जो सो यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा। और जो सो ब्रीडिंग और मोल्डिंग के हिसाब से और रेसिंग के हिसाब से कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा जो भी करना है वो हिसाब से हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, जो ये अब आजकल शॉप्स में रेडीमेड मिल रहे हैं मिक्स सीड्स, तो उस पर आप बोलिए कुछ। नहीं, इसमें हम लोग तो रेडीमेड तो नहीं यूज़ करते, हम लोग जो सो जो जो भी हमारे को जितनी जितनी क्वांटिटी लेना है वो हिसाब से हम हमारी क्वांटिटी ले लेके हम पर्सनली उसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, पर्सनली आप लोग मिक्स जो है कर लेते हैं। तो चलिए भाइयों, आप लोग को जो है सारा कलेक्शन पूरा क्लोजअप से बताता हूँ, कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पर, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो है साथ ही साथ कबूतर देख लेते हुए अपन जो है कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी लाइक करिए, अपने दोस्तों में अपने भाइयों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अपन जो है कबूतरों की तरफ बढ़ते हैं। समर भाई, ये आपके कौन से बर्ड्स है? मोहित भाई, ये देखिए रेसिंग उम्र में फीमेल्स है, यंग बर्ड्स है जी। यंग बर्ड्स का जो सो फीमेल्स में लॉफ्ट है, फीमेल्स अलग मेल्स अलग रखते हैं इसके अंदर जी। ये पूरे यंग फीमेल्स है, ये साल जो सो पूरे ये बर्ड्स पूरे रेस में जाने वाले हैं। इसके ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है क्या भी? जी हाँ, लॉफ्ट फ्लाइंग स्टार्ट हो गई मोहित भाई इसकी। डेली सुबह में जो सो 20-25 मिनट्स फ्लाई करते, फिर बाद में लोगों को ट्रैप करके अंदर ही दाना अंदर ही पानी रखते हैं लोगों का। अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसके बाद में बाजू आइए आप, बाजू जैसा ये आपको मेल सेक्शन है, यंग बर्ड मेल्स है, ये साल निकले सो जितने भी बच्चे हैं पूरे ये वही है ये जी। और ये पूरे घर मेरे घर के हैं पूरे बर्ड्स ये। मोहित भाई, ये ओपन फीमेल्स है, एक साल के ऊपर के जितने भी रहते बर्ड्स उन लोगों को ओपन बोलते हैं। और ये ओपन कैटेगरी रेस में भी अलग रहती है जी। तो ये ओपन फीमेल्स का लॉफ्ट है और ये जितने भी बर्ड्स है ऑलरेडी मेरे पास 650 किलोमीटर तक जो सो ऑनडे लैंड भी हुए हुए हैं इसमें बर्ड्स। फीमेल्स में एक है, मेल में एक है वो बर्ड, मैं आपको उसका बाद में बताऊँगा उसके डिटेल्स पूरे। ये देखिए मोहित भाई, ये ओपन मेल्स का लॉफ्ट है, एक साल के ऊपर जितने भी रहते हैं वो लोगों को ओपन बोलते हैं ना जी। तो ये ओपन बर्ड्स का मेल्स का लॉफ्ट है और इसमें भी जैसो मेरे पास बर्ड्स जैसो 650 तक फ्लाई करे हुए हैं जी। 650 ऑन डे दो बर्ड्स मेरे पास लैंड हुए थे मेरे लॉफ्ट में और दो बर्ड्स को भी पोजिशन मिला उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो भैया, यहाँ पर जो है थोड़े अलग कलर में भी बर्ड्स है, जैसा वो कलर है, वो कलर का नाम क्या बोलते हैं? मोहित भाई, इसके अंदर आप देखिए रेसिंग उमर के अंदर कलर कैटेगरी अलग है जी। आप जो बर्ड बतला रहे हैं वो रेड चेकर्ड बोलते हैं उसको रेसिंग उमर में, और उसके बाजू जो है उसको चेकर्ड बोलते हैं और उसके बाजू में जो है उसको ब्लू बोलते हैं जी। ये ब्लू बोलते हैं इसको। उसके बाद एक ये दिख रहा है, इलोंग, ये कलर को जो है ग्रिजल बोलते हैं। ग्रिजल कलर जी हाँ।
फिर उसमें भी कैसा है मोहित भाई, अगर लोकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे अपन खलंजा आ गया तो उसको ब्लू पाइड बोलेंगे, और अगर बबरा खलंजा है तो उसको चेकर्ड पाइड बोलेंगे। ये ब्लू पाइड बोलेंगे जी हाँ, ये ब्लू पाइड है आपको। इसको चेकर्ड पाइड बोलते हैं। मोहित भाई ये मेरे पास की ब्रीडिंग फीमेल है, ये डायरेक्ट ग्रैंड डॉटर यूरो है। यूरो एक बहुत अच्छा फेमस बर्ड है, वो यूरो की ग्रैंड डॉटर है। इसका विंग पैटर्न वगैरह देखिए आप, ये बर्ड आपको शॉर्ट टू मिडिल में इसके बच्चे आप उड़ा सकते हैं। इसके ये आप विंग पैटर्न है ये, और इसके ये बच्चे आप उड़ाए भैया? नहीं, इसके बच्चे ये साल फर्स्ट टाइम उड़ेंगे मोहित भाई रेस में। ये आप उसका टेल बैलेंस देखिए आप, सिंगल टेल और बैलेंस टेल है ये। ऐसा नॉर्मली टेल बैलेंस चेक करने का तरीका ये है जी। उसके बाद में आपको कील वोन है बर्ड की जी। कील वोन भी ऐसा चेक करते हैं बर्ड्स का, जो सो कंडीशन भी बतला सकते हैं अपन इसमें। कील बोन में क्या देखते हैं? कील बोन में देखिए आप इसका वेंट बोन जो है ना, वेंट बोन देखते हैं बर्ड की जी। अच्छी क्वालिटी के बर्ड के जैसे वेंट बोन जो है क्लोज रहते हैं इसमें जी। नॉर्मली अपने पास जो कांटा बोलते हैं उसको वेंट बोन बोलते हैं, तो क्लोज वेंट बोन्स के बर्ड जो है ब्रीडिंग क्वालिटी अच्छे रहते हैं इसके। ये बर्ड देखिए मोहित भाई, मेरे पास 650 में थर्ड पोजीशन विनर बर्ड है। ऑलरेडी इन्हें 10-15 रेसेस में पार्टिसिपेट कर लिया है इन्हें, 2018 से लेके अब तक 2020 तक ऑलमोस्ट 10-12 रेसेस में पार्टिसिपेट कर लिया है इन्हें ऑलरेडी। इसका ये विंग पैटर्न है, ये टेल है इसकी, परफेक्ट बर्ड है भाई, एकदम रेसिंग क्वालिटीज है बर्ड में। ये इसका रिंग नंबर है, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक भी शेयर करूँगा ऑनलाइन। आप जो सो डायरेक्ट पीपा की वेबसाइट पे इसके रेस रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, इसमें कोई फेक रिजल्ट्स या कुछ ऐसा चांसेस नहीं है, पूरे क्लब के जो सो रिजल्ट्स रहते हैं उसमें। आप ये रिंग नंबर आप जो सो क्लब के रिजल्ट्स शीट के अंदर आप कभी भी देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं आप। 650 किलोमीटर्स ऑन डे थर्ड पोजिशन बर्ड। ये देखिए फीमेल मोहित भाई, कंटिन्यू मेरे पास जो सो 2019 से फ्लाई कर रही, 2019-20 की रेस में पार्टिसिपेट कर ली, 2020-21 की रेस में पार्टिसिपेट कर ली बर्ड ये। और इसका भी जो सो कम से कम 8-10 रेसेस में पार्टिसिपेट कर ली बर्ड ये, और 650 किलोमीटर्स में ऑन डे फिफ्थ पोजीशन है क्लब में बर्ड का है। ये इसकी आई साइन है, ये विंग पैटर्न है इसका, और ये साल भी दोस्तों ये बर्ड रेस में जाने वाला है। ये इसका रिंग नंबर है देखिए भाई, 2247 इसका रिंग नंबर है, 2019 का बर्ड है। ईयरिंग और ईयरिंग में क्या फर्क है मोहित भाई? ये मेरा पर्सनल रिंग है जी, पर्सनल रिंग भी डालते हैं बहुत सारे लोग, इसमें मेरा नाम और जैसे मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा इसमें जी। और मेरे सिटी और इसका बर्ड का सीरियल नंबर। मोहित भाई ये फीमेल देखिए मेरे पास आप जैसो, इसका रिंग नंबर जो 1925/2018 है, और ये बर्ड भी जैसो ऑलमोस्ट मेरे पास कम से कम एक 10 से 12 रेस में पार्टिसिपेट कर ली बर्ड ये। ओपन डर्बी कैटेगरी में बर्ड फ्लाई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लॉफ्ट में ये बर्ड जैसो ओपन डर्बी कैटेगरी के अंदर 135 किलोमीटर में इसका पोजीशन नहीं आया, 200 किलोमीटर में सिक्स्थ है, 275 किलोमीटर में थर्ड है, 380 किलोमीटर में सेकेंड है, 500 किलोमीटर में सेकेंड है इसका पोजीशन। और इंशाल्लाह ये बर्ड को जो सो बेस्ट बर्ड
उसका प्राइस भी मिल चुका है इसको। परफेक्ट बर्ड है भाई, एकदम रेसिंग क्वालिटीज है बर्ड में। ये इसका रिंग नंबर है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक भी शेयर करूँगा ऑनलाइन, आप जो सो डायरेक्ट पीपा की वेबसाइट पे इसके रेस रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। ये सारा सेटअप मैं आपको माशाल्लाह से बता दिया। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में कलेक्शन है भाई के पास, आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।